अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शहजी राजपूत ब्लॉग्स। मीन करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आज का एक ब्रांड न्यू ब्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपका भाई जा रहा है यूके, मेरी फ्लाइट तकरीबन 7 बजे, ठीक है। मस्त जोक मार रहे हैं, हंस रहे हैं, हल्का हंस ते हैं। ये अपनी गाड़ी है, इसमें फरहान भाई और साथ में सिर्फ मामू अब्दुल रहमान ने जाना है और बाकी कजन हैं। और ये देखें, तो ये हमजा भाई साथ आ गए हैं और साथ आ गए हैं अब्दुल्ला भाई। ए चुप्पे, तो घर से निकल आए हैं माशाल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है मैं सेफ एंड साउंड पहुंच जाऊं, ठीक है ना। हम पहुंच चुके हैं चविंडा में, यहाँ से मामू अब्दुल रहमान ने हमारे साथ जाना है मामू को रिसीव करने। इसके पापा, ये देखे, उसने पापा को देख लिया, तभी कह रहा है पापा पापा। वो आने लगे है पापा, किधर है, किधर देख, किधर है पापा, बुलाओ पापा को, कहो पापा जी आ जाए। हम शाहपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता रह गया समरिया एयरपोर्ट का, तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। ये चेक करें पानी, माशाल्लाह जो ना इंडिया वालों ने छोड़ा हुआ है वो पानी देख, फुल नहर भर के पानी आ रहा है। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम सारे, वो मामू हैं और यहाँ पे मैं और हमजा भाई जा रहे हैं। अभी अभी आगे चलते हैं, जाके देखते हैं कि मामू आए हैं कि नहीं। जहाँ से मामू ने आना था ना, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है। उनकी फ्लाइट का टाइम था 7 बजे, तो 7 कब के बज चुके हैं अब। टाइम क्या है अब्दुल्ला, दसी 7:30 हो गया है। तो देखें वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, मामू यहीं कहीं वेटिंग के लिए मैं बैठ के हमारा वेट कर रहे होंगे, जा रहे हैं। मुझे लगता है वो सामने बैठे हुए हैं, ये ना ये सामने, मुझे शक। ये बड़ी अच्छी बात कही है पा रहा है वो, ये भी जाते हैं देखते हैं। अभी मामू को हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता मामू किधर है। हम ना यहाँ से डिपार्चर होती है तो इस साइड पे भी देख रहे हैं कि यहाँ तो नहीं, पर हमें मामू मिल नहीं रहे। देखते हैं क्या बनता है, आगे ही फ्लाइट लेट है तो मामू के पास अभी पाकिस्तानी नंबर नहीं आया इसलिए हमें नहीं मिल रहे। देखते हैं यहीं कहीं ना अगर मिल गए। ये जो एरोप्लेन है ना, ये मैं दिखाने लगा हूँ आपको। ये जब मैं पिछली दफ़ा 3 साल पहले या 2 साल पहले पापा का छोड़ने आया था ना, तब भी यही था और अब भी यही है। इसका लगता है इंजन निकाल के ना इन्होंने कबार खाने वाले को बेच दिया। और अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये यहीं पर ही रहना है तो क़यामत तक यही रहेगा, क्योंकि इसका इंजन बिक चुका है कबार खाने को। ये जी फ्लाइट डिले हो गई है, ये चेक करें सेकंड वाली फ्लाइट जो है ना, दमाम से मामू ने आना था और मामू की फ्लाइट हो गई है डिले, तो अभी करते हैं वेट। हमें ये था आ चुकी है, बट अच्छी बात है डिले हो गई है तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे। यार उसे वेटिंग एरिया बह हो तुम, अच्छी जरा तस्वीर बना लिया। ये जी अनाउंसमेंट हुई है, तो दमाम वाली फ्लाइट आ चुकी है, वो देखिए सामने यहाँ पे ना लैंडेड भी आ गया। ये दूसरे नंबर वाली जो है ना, ये दमाम की है, ये चेक करें उतर चुकी है। तो अभी मामू आने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं वेट के लिए ना, यहाँ पे देखते हैं खड़े होके। ये अल्हम्दुलिल्लाह मामू आ चुके हैं माशाल्लाह। अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, ये देखिए माशाल्लाह जिंदाबाद। अभी आपका भाई जा रहा है, थोड़ी सी कैश जो है ना वो चेंज करवानी है, तो वो ज़रा काम मैं आपको दिखा नहीं सकता, हल्की सी झलक दिखा दो। ये देखें अभी जल्दी में डाल रहे हैं, समझा करें बात को, तो चलते हैं। मैंने ना मामू को मशवरा दिया है यहीं से चेंज करवा लेते हैं, फिर गांव से आना पड़ना चेंज करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक्सचेंज है, चलते हैं वहाँ से चेंज करवा के तो फिर गाँव को निकल जाएंगे। क्यों बाद में आना है फिर यहाँ पर जलील अखबार, फ़ायदा कोई नहीं, अभी यहाँ से करवा के निकलते हैं गाँव को।
तो गाइस यहाँ पे टाइम आ जाता है इस खटारा से इंजन चलते हुए जहाज को अलविदा करने का। तो अभी हम एयरपोर्ट से निकलने लगे हैं और अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। दोनों मामू आगे बैठे हुए हैं और हम तीनों भाई पीछे, फुल चिल हो रहा है। तो अभी घर पे जा रहे हैं, जाते हैं। तो ये देखिए इसके काम, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो गया 11 बज गए। तो अभी मामू लोग चले गए और यहाँ पे गाड़ी में सामान भरा हुआ है, ये देख मैं जाने लगा। तो आज का व्लॉग यही पे करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।